हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग कुछ नई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम एक नहीं बल्कि दो दो जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड सेकेंड वन इज कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं कुछ विद गेट है और विदाउट गेट है। इसमें हम लोग ये जानेंगे अभी आगे जो हमारा भी नोटिफिकेशन होगा, इसमें हम लोग ये जानेंगे कौन विद गेट है कौन विदाउट गेट है, किसमें आपकी क्राइटेरिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, आपको सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बेसिकली आपका एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये जॉब है। आपका 2+2 है, पहले आपको 2 साल के लिए यहाँ पे आपको एक तरह से टेम्प्रोरी जॉब बोल सकते हैं, परमानेंट जॉब नहीं है, है तो ये गवर्नमेंट जॉब बट यहाँ पे ये टेम्प्रेरी जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप की जॉब है, फर्स्ट वन इज ट्रेनी इंजीनियर एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्दर, अगर फोर्थ ईयर में अगर आपको एक्सटेंशन मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आपको वहाँ पे अलाउ किया जाता है तो वहाँ पे जो भी होगा पेमेंट होगा वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 308 है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए 203 है। यहाँ पे एज लिमिट है, एज लिमिट आपका ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 25 है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका जो एज लिमिट है दैट इज 28। यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। आपकी जो सैलरी होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका ट्रेनिंग इंजीनियर है यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर की भी सैलरी यहाँ पे गिवन है। जो आपका प्रोजेक्ट प्लेस होगा दैट इज बेंगलोर, यहाँ पे होगा आपका। और ये मैं आपको बता दूँ कि एक परमानेंट जॉब नहीं है, दैट इज टेम्परेरी जॉब, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। आपका 3 इयर्स या 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आपको जैसे जैसे आपको एक्सटेंशन मिलेगा वैसे वैसे आपका पेमेंट वहां पे आपको मिलता रहेगा, आपको नोटिस मिल जाएगा पहले ही। तो ये आपके लिए परमानेंट रही है। एंड ऑल दोज स्टूडेंट हु आर फेसिंग सम फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उनके लिए ये जॉब है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ का जो भी आपका जॉब होगा उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। तो जो भी बहुत सारी जॉब्स आपके निकलती हैं जिसमें आपको एक्सपीरियंस देना होता है तो आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें थी यहाँ पे दोनों के लिए दिया हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे गिवन है कि आपका कैंडिडेट विल बी पेड कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन यहाँ पे, और ये भी दिया हुआ है। प्रोजेक्ट इंजीनियर विल बी एंगेज एंड इनिशियली 2 इयर्स पीरियड के लिए, 2 साल के लिए ज्वाइन किया जाएगा, विच मे बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 ईयर अप टू मैक्सिमम 4 ईयर बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो +2 ईयर आपको तभी मिलेगा जब वहाँ पे आपकी जरूरत होगी। तो फर्स्ट ईयर आपका जो है 35,000 पे किया जाएगा, सेकेंड ईयर आपका 40,000 एंड फर्दर अगर आपको एक्सटेंशन मिलता है तो थर्ड ईयर में आपको 45,000 एंड फोर्थ ईयर में आपको 50,000 पेमेंट मिलेगा। एंड सिमिलरली ट्रेनिंग इंजीनियर विल बी एंगेज फॉर एन इनिशियल 1 ईयर पीरियड विच मे बी एक्सटेंडेबल फॉर अनदर 2 ईयर, और ये भी उसी पे डिपेंड करेगा, अप टू मैक्सिमम 3 ईयर, 3 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट एंड रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और वहाँ के प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट कैसे है उसके हिसाब से आपको एक्सटेंशन मिलेगा। इसमें फर्स्ट ईयर में आपको मैंने पहले ही बताया कि 25,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 28,000 एंड थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 31,000। ठीक है, क्वालिफिकेशंस आपका बीटेक होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इयर्स बीई बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स फ्रॉम अ रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ब्रांच में बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल है, ईसीई है और मैकेनिकल है, इन 3 ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे। तो केवल वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आपका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन द इंडिकेटेड डिसिप्लिन में ऑल्सो अप्लाई,
फ्रेशर शुड हैव कंप्लीटेड 8th सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर रिक्वायरमेंट फॉर अवार्ड ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। तो आपका 8th सेमेस्टर ऑब्वियसली यहाँ तक कवर हो जाना चाहिए। आपका अगस्त मंथ चल रहा है तो ऑब्वियसली कि सारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चुका होता है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि आपका 8th सेमेस्टर का एग्जाम फिनिश हो चुका होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर में क्या है कि 2 ईयर्स रेलिवेंस पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ओनली रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो सिंपल जिन्होंने बीटेक किया है, बट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका 2 साल का यहाँ पे ये एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे मेंशन है 2 ईयर रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट शुड मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट एंड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड। जो भी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेसिस पे ही आपका जो फॉर्म होगा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, 75% मार्क्स विल बी अलाउड अलॉटेड फॉर एग्रीगेट मार्क्स स्कोर इन बीटेक। तो आपने जो बीटेक में जो भी मार्क्स स्कोर किया है उसका 75% लिया जाएगा। 10% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्वियस बात है 10% आपका वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए। इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, तो 1:5 के रेशियो पे आपका जो भी है स्टूडेंट जो भी है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एंड 15% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर इंटरव्यू। तो रिमेनिंग जो 75% है 10% यहाँ पे हो गया एंड रिमेनिंग जो 15% है दैट इज बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा, ओके। तो ये टोटल 100% है और यहाँ के इसके भी आप पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जो भी आपका टेम्पररी जॉब है, ठीक है। अब हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट हुआ डीआरएस फॉर अप्लाइंग फॉर दी अबव पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द रेलिवेंट लिंक प्रोवाइडेड अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट। तो ऑब्वियस बात है एडवर्टीजमेंट जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो एडवर्टीजमेंट का है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस लिंक को भी आप वहां से देख सकते हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15th of August है, 15th of August लास्ट डेट है। तो इससे पहले जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर दें और जो भी है फाइनल क्राइटेरिया जो भी उनका है उसके भी आप पे वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको कॉल करेंगे। एप्लीकेशन फी है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 है एंड ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी सारे डिटेल आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप फिलअप करेंगे उसके लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको बताया कि मैं आपका इसका जो भी अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और जो भी इसका पीडीएफ है इसका भी लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी है कि आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट में रिक्वायर्ड टू कवर अंडर अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर अ सम ऑफ 2 लाख, 2 लाख का आपका मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा पर एनम एंड सबमिट द सेम ज्वाइनिंग इन एडिशन टू द रिम्यूनरेशन इंडिकेटेड अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ 10,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंसेस। तो ये सारा आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा कि आपको ये 10,000 दे रहे हैं पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स द एक्सपेंसेस। तो जो भी आपका एक्सपेंसेस है इस टाइप का इसके लिए आपको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं CIL की, कोल इंडिया लिमिटेड। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नोटिस रिलीज किया यहाँ पे कि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा मैनेजमेंट ट्रेनी का फॉर ऑल दी ब्रांचेज 2000 एलिजिबल इन CIL कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी, तो उनके लिए डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन है दैट इज माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजी। तो ये सारे ब्रांचेस के लिए लोग जॉब बीच जो मैनेजमेंट ट्रेनी का पोस्ट है उसके लिए जो रिक्रूटमेंट का नोटिस रिलीज करने वाले हैं और उन्होंने ये बोला है कि जो भी नोटिस होगा जो भी रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन GATE 2021। तो GATE 2021 के बेस पे इनका रिक्रूटमेंट होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ONGC भी अपना रिक्रूटमेंट रिलीज करने वाली है एज सुन एज पॉसिबल और वो भी जो रिक्रूटमेंट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन
GATE 2021, तो ये दो मेन कंपनियां हैं, महारत्ना कंपनियां हैं, ONGC एज वेल एज कोल इंडिया लिमिटेड, बोथ आर गोइंग टू रिक्रूट मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ GATE 2021. तो बी रेडी, कीप चेकिंग द वेबसाइट ऑफ ONGC एज वेल एज कोल इंडिया लिमिटेड. और मैं आपको बता दूं कि इसका जैसे ही अपडेट आएगा, इन दोनों का जैसे ही अपडेट आएगा, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दूंगा और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. तो ओके, थैंक यू. और अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है अच्छा लगा हो, तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल दी अपकमिंग इम्पोर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन एज वेल एज ऑल इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन. सो थैंक यू अगेन.